हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल्स एंड वर्ब्स. फ्रेंड्स, आज का वीडियो न्यू मॉम्स, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसी के साथ जो लोग अभी माँ बनने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लव लैब के एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प के बारे में. गाइज, ये वो ब्रेस्ट पम्प है जो मैंने यूज़ किया, एंड ऑल थैंक्स टू दिस ब्रेस्ट पम्प मेरी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रही एंड काफ़ी लंबे समय तक चली. As a fellow mom, it becomes my responsibility to inform you about this product because it is very useful. साथ में मैं आपको बताने जा रही हूँ इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और किन किन सिचुएशंस में आपको एक ब्रेस्ट पंप लेना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी. सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लेकिन आगे चलने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो नीचे रेड बटन दिया हुआ है उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे चैनल में ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोज हैं जो कि न्यू मॉम्स के लिए या विमेन इन जनरल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं. सो गाइस, किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है. इनफैक्ट इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ अ बेबीज लाइफ. उसी के साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क बेबी की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट ऐसा भी पाया गया है कि जिन बेबीज को ज़्यादा समय तक ब्रेस्ट मिल्क पर फीड कराया जाता है उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है. उसी के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग मदर की हेल्थ और वेलनेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सेसिव पोस्टपार्टम ब्लीडिंग. बच्चे के जन्म के समय अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. उसी के साथ साथ आपका जो यूट्रस ऊपर चला जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है. उसी के साथ साथ जो मदर ज्यादा लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और ऐसी बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ब्रेस्ट कैंसर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनके चांसेस भी ब्रेस्ट फीडिंग कराने से कम हो जाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं कई बार जिनकी वजह से एक मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती. इनफैक्ट मेरे साथ भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा हुआ था. व्हेन माय डॉटर वाज जस्ट 5 मंथ्स ओल्ड आई हैड टू जॉइन माय ऑफिस बैक एंड उस टाइम पर आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि अभी मैं ऐसा क्या करूं, क्या मैं उसको वीन ऑफ कर दूं या मेरे पास कोई और ऑप्शंस हैं. सो मैंने अपनी लैक्टेशन एक्सपर्ट से कंसल्ट किया एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपना मिल्क एक्सप्रेस करके बेबी को दे सकती हूँ. एक्सप्रेस करने का मतलब होता है कि हम अपने मिल्क को निकाल कर स्टोर करके रख देते हैं एंड जब बेबी को भूख लगती है, जब बेबी को रिक्वायरमेंट होती है तो जो भी बेबी की केयर कर रहा है वो उसे दे सकता है एंड द बेबी डज नॉट मिस द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. तो मुझे एक ब्रेस्ट पंप लेना था. अब मुझे पता चला कि मार्केट में 2 तरह के ब्रेस्ट पंप मिलते हैं. एक मैनुअल होते हैं जिनको आपको अपने हाथ से पंप करना पड़ता है, सक्शन क्रिएट करना पड़ता है. अगेन इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर लगता है, काफ़ी समय लगता है एंड इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल थिंग टू डू. तो मैंने ऑप्ट किया कि मुझे एक इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक ब्रेस्ट पंप लेना है एंड आई आस्क्ड अराउंड मेरी जो बहुत सारी जो फ्रेंड्स थी जिनके ऑलरेडी बेबीज थे एंड हु वर वर्किंग, मैंने उनसे सलाह ली, मैंने ऑनलाइन सर्च किया एंड आई केम टू अ कंक्लूजन कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मोस्ट सूटेबल ब्रेस्ट पंप है वो ये लव लैब का एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है. और इसको चूज करने के एक नहीं बहुत सारे रीजंस थे, वो आपको आगे पता चलेंगे. पर उससे पहले फटाफट मैं आपको ओपन करके इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उन्हें कैसे यूज करना है, कैसे असेंबल करना है, मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ. सो गाइस, लव लैब के एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के सभी पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं. इनको असेंबल करना और यूज़ करना बहुत ही इजी है. मैं फटाफट पहले आपको ये जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ फेमिलियराइज करा देती हूँ. तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दिस इज द इलेक्ट्रिकल यूनिट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ द लव लैब एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप. ये इलेक्ट्रिकल यूनिट एक टच स्क्रीन है और इसके ऊपर आप ये बटन्स देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले आता है पावर बटन. पावर बटन को टच करते ही देखिए ये इलेक्ट्रिकल यूनिट काम करना स्टार्ट कर देता है. ये जो बटन है ये मोड चेंज का बटन है. इस इलेक्ट्रिकल यूनिट में 2 मोड्स होते हैं. पहला मोड होता है एल मोड, ये आपकी ब्रेस्ट से मिल्क को एक्सप्रेस करने के काम आता है. और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो देखिए दूसरा मोड आ गया एफ मोड, इट हेल्प्स इन मसाजिंग द ब्रेस्ट. ओके, और कितनी इंटेंसिटी के साथ आपको मसाज करना है या मिल्क को एक्सप्रेस करना है उसको चेंज करने के लिए यहाँ प्लस माइनस बटन होते हैं. जैसे कि अभी 1 यानी कि कम इंटेंसिटी है और जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे प्लस दबाकर तो देखिए जो स्पीड है मसाज की वो बढ़ जाएगी. उसी के साथ साथ एक बार मैं एल मोड पर भी डालकर आपको दिखा देती हूँ. अभी ये 4 पर है
आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं माइनस दबाकर और इंक्रीज कर सकते हैं प्लस दबाकर। साथ में आपको ये ग्रीन जो इंडिकेटर दिख रहा है ये बैटरी इंडिकेटर है। ग्रीन मीन्स योर बैटरी इज फुली चार्ज, और जब ये रेड हो जाता है दैट मीन्स द इलेक्ट्रिकल यूनिट रिक्वायर्स चार्जिंग। ये जो बॉटल आप देख रहे हैं इट इज द स्टोरेज कंटेनर, इसके अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसी बॉटल के ऊपर ये जो मेन बॉडी है ब्रेस्ट पंप की, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये फिट होती है। और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं ये एक जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डग बिल्ड वॉल्व। ये इस तरह का डग बिल्ड वॉल्व होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी ऑफ द ब्रेस्ट पंप एंड द स्टोरेज यूनिट जिसके अंदर हम मिल्क को स्टोर करने वाले हैं। इसमें से निकल कर ही मिल्क अंदर स्टोर होता है, और ये वॉल्व आगे से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नैरो है। उसी के साथ साथ यहाँ ऊपर भी देखिए, यहाँ पे ये एक सिलिकॉन का डायफ्राम है जो मिल्क को बैक फ्लो होकर इलेक्ट्रिकल यूनिट में जाने से भी रोकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल यूनिट में मिल्क चला गया तो वो बिगड़ सकता है। इस प्रेस पंप को बनाने के लिए जिस प्लास्टिक और सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया है वो दोनों ही फूड ग्रेड क्वालिटी के हैं। दे आर टोटली सेफ फॉर योर स्मॉल बेबीज, एंड उसी के साथ साथ जो प्लास्टिक है वो BPA फ्री है, एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रेस पंप आर टोटली सेफ फॉर स्टेरिलाइजेशन। उसी के साथ साथ लवलैप ने ये भी ध्यान रखा है कि अगर ये जो आपका इनिशियल डायफ्राम है या नीचे जो हमने वॉल्व लगाया था, अगर वो एक बार गुम हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उन्होंने आपको एक एक एक्स्ट्रा भी दिया है इन केस द फर्स्ट वन गेट्स डैमेज, सो यू कैन रिप्लेस इट विद द अदर वन। अब आगे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द मेन पार्ट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन एज द मसाज कुशन। आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है ये भी सिलिकॉन से बना हुआ है, एंड ये बहुत ही आसानी से इसके ऊपर देखिए अच्छे से फिट हो जाता है। एक बार जब आप इसको दबा देते हैं तो इसके बीच में भी जो एयर है वो निकल जाती है, एंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रॉपर सक्शन विद योर ब्रेस्ट। इसकी जो शेप है ये भी फीमेल ब्रेस्ट जैसी है, एंड ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, और जब ये फिट हो जाता है तो इट इज गोइंग टू मसाज योर ब्रेस्ट एंड एनकरेज देम टू प्रोड्यूस मिल्क। एक और बहुत अच्छी बात ये है कि जब आप इसको लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जो मसाज कुशन है इट कैन गेट डर्टी, इट कैन कैच ऑन डस्ट, तो इसको डर्ट और डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर ये एक डस्ट प्रोटेक्टर दिया हुआ है जो इसके ऊपर फिट हो जाता है, एंड इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम गेटिंग डर्टी। गाइस, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रिकल यूनिट है ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, तो इसके साथ आपको ये अडैप्टर दिया गया है। इस अडैप्टर को आप यहां पर कनेक्ट करके यू कैन कनेक्ट इट विद एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। एंड गाइस, एक बार जब आप इसको फुली चार्ज कर देते हैं तो ये 2 घंटे विदाउट चार्जिंग अच्छे से चल जाता है। साथ में आपको दिया गया है ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग ट्यूब। ये भी सिलिकॉन की बनी हुई है, ये मदद करती है आपको इलेक्ट्रिकल यूनिट को बॉडी ऑफ ब्रेस्ट पंप के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये कुछ इस तरह से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और जब ये एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं देन यू कैन कंट्रोल द मोड्स एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेसिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ द बटन्स ऑन द इलेक्ट्रिकल यूनिट। उसी के साथ साथ बाद में जब आपको इस स्टोर्ड मिल्क की हेल्प से बेबी को फीड करना होगा तो इसी बॉटल को निकाल कर आप इसके ऊपर से जो बॉडी ऑफ ब्रेस्ट पंप है वो निकाल कर ये देखिए ये आपको एक रिम दिया गया है। उसी के साथ साथ आपको एक टीट भी प्रोवाइडेड है, तो आपको सिर्फ घुमाकर इसको इसके ऊपर लगा देना है, एंड इसकी हेल्प से ये एक फीडिंग बॉटल में कन्वर्ट हो जाता है जिससे आप बेबी को बहुत ही आसानी से फीड कर सकते हैं। इस टीट को डर्ट एंड डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये एक लिड भी दिया हुआ है। देखिए ये एक एयरटाइट बॉटल बन गई। इस तरह से भी आप स्टोर्ड मिल्क को अपने साथ कैरी कर सकते हैं व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जितने भी मोड्स हैं उनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दी हुई है। इसको ऑपरेट करना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। चलिए अब मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ कि इसका सक्शन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसका पावर बटन ऑन कर लेते हैं। देखिए ये ऑलरेडी मिल्क एक्सप्रेशन मोड पे है। अभी मैं इसको नंबर 1 पे ले जाती हूँ, यानी कि द स्पीड एंड इंटेंसिटी इज लोएस्ट। अब हम यहाँ पर मसाज कुशन पे एक बलून लाकर लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो सिलिकॉन डायफ्राम है ये धीरे धीरे मूव कर रहा है और स्लो सकिंग एक्शन से बलून को खींच रहा है। अब देखिए, अब मैं आपको इसकी स्पीड इंक्रीज करके दिखाती हूँ। सो अभी मैं इसको लेवल 1 से ले जाती हूँ लेवल नंबर 4 पर। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो डायफ्राम है उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ गई है, और यहाँ पे देखिए जो सकिंग एक्शन है वो भी और ज़्यादा रैपिडली हो गया है। अब हम इसको हाइएस्ट लेवल पर ले जाते हैं, दैट इज लेवल नंबर 9। अब आप देख सकते हैं कि डायफ्राम और ज़्यादा काम कर रहा है और कितनी ज़्यादा फोर्सफुली इस बलून को ये सक कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी लेट डाउन स्पीड हो उसी हिसाब से आप मिल्क को एक्सप्रेस करने की स्पीड भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
साथ में आपको ये एक ट्रैवल पाउच दिया गया है जिसके अंदर ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही आसानी से फिट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैवल पाउच कितना छोटा है। एक बार इसमें जब ये कंपोनेंट्स फिट हो जाते हैं तो उनको बहुत ही आसानी से आप अपने ऑफिस में या अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ लेके जा सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस। इनफैक्ट गाइज, लव लैब के एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप जितना कॉम्पैक्ट ब्रेस्ट पंप आई थिंक इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ना ही इतने सारे मोड्स और एडजस्टमेंट आपको किसी और ब्रेस्ट पंप में मिलेंगे। आई टोटली लव द फैक्ट कि इसको चार्ज करके मैं 2 घंटे तक बिना चार्जिंग के यूज कर सकती हूं और ये इतने से छोटे से ट्रैवल पाउच में आ जाता है विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट टू कैरी इट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग और व्हेन आई एम गोइंग टू माय ऑफिस। सो गाइस, अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या अगर आप एक मां बनने वाली हैं तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप लव लैब के एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। इसकी कॉस्ट करीब करीब ₹3,800 से 4,000 तक है। ऑनलाइन ये amazon.com और लव लैब की खुद की जो वेबसाइट है lovelab.com वहां पर भी अवेलेबल है, तो आप आसानी से जाकर परचेज कर सकते हैं। इसके कुछ परचेज लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहां से जाकर भी ले सकते हैं। सो गाइस, अगर ये प्रोडक्ट आपको यूजफुल लगा हो एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आपकी जो एप्रिसिएशन होती है इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। उसी के साथ साथ अगर आपको इस लव लैब एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं या कोई और क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई लव आंसरिंग योर क्वेश्चन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो आपकी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो माँ हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, जो माँ बनने वाली हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज या कई बार हमें हेसिटेशन होती है, उस रीजन की वजह से हम ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं करते और हमारे जो बच्चे होते हैं दे मिस आउट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और वो इनका फायदा उठा सके, दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस। तो ज्यादा से ज्यादा जो आपकी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे हम बहुत रेगुलरली अपडेट करते हैं। एंड आई विल सी यू सून विद अनदर यूजफुल वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।